दोस्तों ये कहानी नोकिया 3310 मोबाइल फोन के ऊपर आधारित है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड को बाबू सोना कहने के लिए एक फोन तक नसीब नहीं होता। तब वो पूरे 30 यूरो जैसे तैसे इकट्ठा करके गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए एक नोकिया 3310 की तरह ही फोन खरीदता है, लेकिन वो फोन उसकी जिंदगी बदल देता है। अब उस फोन को लेने के बाद उसके साथ आखिर क्या हुआ, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल के सभी बच्चों को अपने अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को फोन में बाबू सोना कहकर जाते हुए देखते हैं। वहीं पर सिड नाम का एक लड़का था जो एंजी नाम की एक लड़की को ताड़ रहा था। दरअसल वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसके साथ बात करने की उससे हिम्मत नहीं होती। इसीलिए उसका दोस्त टाइगर उसे मोटिवेट करके एंजी को उसके दिल की बात बताने के लिए कहता है। सिड भी मुंह उठाकर एंजी के पीछे पीछे जाता है, लेकिन आगे जाकर वो कचरे के डिब्बे में जाकर गिर जाता है। एंजी उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन सिड तो उसकी रंग बिरंगी पैंट देख रहा था। आगे वो उससे उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसमें एंजी उससे उसका नंबर मांगती है और कहती है कि रात को वो इसके बारे में सोचेगी। अब इस जमाने में भी सिड के पास कोई फोन नहीं था, पर तभी उसका दोस्त टाइगर आकर उसे बचा लेता है। वो एंजी से कहता है, अरे इसका तो फोन था, लेकिन ये एक रशियन लड़की से प्यार करता था, उससे ब्रेकअप हो गया तो गुस्से में आकर इसने अपना फोन तोड़ दिया। दूसरी तरफ वर्जिल नाम का स्कूल का सबसे बदमाश लड़का एंजी को सिड के साथ बात करते हुए देख रहा था। दरअसल वो भी एंजी को पाना चाहता था। खैर, इधर एंजी सिड को टाटा बाय बाय कहकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे सिड थक हार कर अपने घर पहुंचता है और अपनी मॉम से अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए पैसे मांगता है, जिसमें उसकी माँ उसे सिर्फ 30 यूरो देती है और ढेर सारी पप्पी झपिया देकर वहाँ से निकल लेती है। आगे सिड चाव चाव रेस्टोरेंट पर पहुंचता है, जहाँ पर वो खाना बनाने और लोगों को खाना सर्व करने का काम करता है। उसे अपने काम पर लेट आने की वजह से उसका बॉस उसे बहुत गालियाँ देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर अगली बार से वो फिर से लेट आया तो वो हॉट डॉग की जगह पर उसकी तीसरी टांग को पकाकर सभी को खिलाएगा। अब गालियाँ खाने के बाद भी वो अपने बॉस से अपना दिहाड़ी मांगता है, जिसमें उसका बॉस उसे 100 यूरो देता है। लेकिन जब वो उस नोट को घुमाकर देखता है तभी उसे पता चलता है कि वो नोट नकली था। आगे वो फोन खरीदने के लिए एक कबाड़ी के दुकान पर जाता है, जहां पर वो कबाड़ी वाला उसे सबसे सस्ते सस्ते फोन दिखाता है। इतने सारे फोन में से कोई भी फोन उसके बजट पर फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका बजट सिर्फ 30 यूरो था। तभी वो कबाड़ी वाला अपने गोदाम से एक स्पेशल फोन लेकर आता है और उसे सिड के सामने अनबॉक्स करता है। उस फोन में दो सिंग लगे हुए थे और उस फोन के साथ वो कबाड़ी वाला चार्जर और हेडफोन भी दे रहा था। दोस्तों ये देखकर आजकल के ओप्पो, वीवो, सैमसंग और आईफोन को सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अब अपने फोन के बॉक्स से चार्जर, हेडफोन जैक सब कुछ निकाल दिया है। खैर, इधर वो फोन तो अच्छा था, लेकिन वो फोन चालू नहीं हो रहा था। इसीलिए सिड उस कबाड़ी वाले से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन वो कबाड़ी वाला उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। तभी वो फोन अचानक चालू हो जाता है, जो देखकर वो कबाड़ी वाला उससे फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सिड फोन को लेकर रफो चक्कर हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में क्लेमेंस नाम की एक लड़की बालों के एड में सिलेक्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास आकर इसे सेलिब्रेट करने लगती है। तभी वहाँ पर सिड अपने नोकिया 3310 फोन को लेकर आ पहुँचता है और एंजी को नंबर देकर रात को उसे कॉल करने के लिए कहता है। अब उसके हाथ में इस फोन को देखकर क्लेमेंस उसकी काफी मजाक उड़ाती है। तभी हम देखते हैं कि वो फोन ऑटोमेटिक क्लेमेंस की फोटो खींच लेता है। आगे केमिस्ट्री क्लास में फ्रैंकलिन और डेविड नाम के दो लड़के टाइगर को ये कहकर परेशान करने लगते हैं कि उसकी माँ तो पैसों के लिए कभी कच्ची पहनकर और कभी कच्ची उतार कर गंदी गंदी फोटोज खिंचवाती है। ये बात वहाँ पर सिड भी सुन लेता है और वो उन दोनों के साथ लड़ पड़ता है, जिस वजह से केमिस्ट्री टीचर उन दोनों को पनिशमेंट देती है। आगे सिड का वो नोकिया फोन ऑटोमेटिकली मार्गेट नाम की एक लड़की को कॉल करता है। मार्गेट जब उस फोन को रिसीव करती है तभी उसका अपने ऊपर से काबू हट जाता है और वो क्लेमेंस की बालों में आग लगा देती है। थोड़ी देर में क्लेमेंस को कुछ गर्मा गर्म महसूस होता है तो सभी लोग उसे चादर लपेट कर बचाते हैं। अब क्योंकि मार्गेट ने उसके बालों के गुच्छे में आग लगाई थी, इसलिए उसे प्रिंसिपल अपने केबिन में बुलाकर पूछताछ करते हैं। मार्गेट कहती है कि उसे अचानक एक कॉल आया, जिसके बाद वो अचानक मोहित हो गया और फिर उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में कुछ भी उसे याद नहीं। इधर स्कूल के प्रिंसिपल को उसकी बातों पर नहीं बल्कि अपने मछलियों पर ज्यादा ध्यान था। खैर, रात को सिड एंजी को अपनी दिल की बात बताने के लिए तैयारी कर रहा था। वो फोन को सामने लेकर कहता है, एंजी मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, तुम्हारे आलू की छिलके की तरह नरम नरम गाल, बैगन के भरते के जैसे फिगर मेरा चैन चुराता है, तुम्हें देखते ही मेरी जिंदगी में तड़का लग जाता है और मैं तुम्हें बिरयानी की तरह खाना चाहता हूँ। अब वो जब ये सब कुछ कह रहा था तभी ऑटोमेटिक वो फोन एंजी को कॉल लगा देता है, जिससे एंजी उसकी सारी बातें सुन लेती है। सिड को जब इसके बारे में पता चलता है कि उस फोन ने ऑटोमेटिक एंजी को कॉल लगा दिया है तभी उसकी फटकर हाथ में आ जाता है। एंजी उससे कहती है, अच्छा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। सिड कहता है, नहीं नहीं प्यार व्यार कुछ नहीं, मैं तो बस एक नाटक का रिहर्सल कर रहा था। खैर, कॉल को काट कर जब वो कॉल हिस्ट्री को चेक
करता है, तभी वो देखता है कि उस फोन ने मार्गेट को भी कॉल किया था। अगले दिन वो ये बात स्कूल में अपने दोस्त टाइगर को बताता है कि उसका फोन खुद ब खुद लड़कियों को कॉल कर रहा है। ये बात सुनकर टाइगर बहुत हैरान होता है और तभी टीचर उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो सिड को एक चौक फेंक कर मारकर उससे एक मैथ का सवाल पूछता है। सिड देखता है कि टीचर के सवालों का जवाब वो फोन अपने स्क्रीन पर दिखा रहा था। ये देखकर वो जब टीचर को सवाल का जवाब देता है, तभी टीचर सोचते हैं कि सिड शायद कैलकुलेटर यूज कर रहा है, इसीलिए टीचर उसके नोकिया 3310 फोन को बाहर फेंक देते हैं। आगे क्लास के खत्म होने के बाद सिड जब उस फोन को लेने के लिए बाहर जाता है, तब वो देखता है कि इतनी जोर से गिरने के बाद भी उस फोन को कुछ भी नहीं हुआ था और वो फोन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में था। उसका दोस्त ये देखकर समझ जाता है कि उस फोन में जरूर कोई झोल झमेला है, इसीलिए वो सिड को वो फोन फेंक देने के लिए कहता है। लेकिन सिड कहां उसकी बात मानने वाला था, क्योंकि वो फोन उसकी मुसीबतों को कम कर रहा था। दूसरी तरफ हम उसी टीचर को देखते हैं जिसको अचानक एक कॉल आता है और फोन को रिसीव करते ही वो मोहित हो जाते हैं और चौक की उल्टियां करने लगते हैं। इधर अगली सुबह सिड जब नींद से उठता है, तभी वो फोन उसे प्रोजेक्टर की तरह बर्थडे विश करता है। सिड सोचता है कि उसने ना तो अपने फोन में अपने बर्थडे को डाला था और ना ही उसके अलावा किसी को उसके बर्थडे के बारे में पता था, तो उस फोन को कैसे पता चला। आगे वो अपने दोस्त टाइगर को बुलाने के लिए जाता है, जहां पर उसकी माँ साड़ी पहनकर उससे बातें करती है। यहां पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो बहुत संस्कारी है। इसके बाद सिड टाइगर को लेकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो टाइगर को उस फोन के बारे में बताता है कि कैसे उस फोन ने उसे बर्थडे विश किया, जिसमें टाइगर उसे उस फोन को फेंक देने के लिए कहता है। लेकिन सिड इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए टाइगर उसे उस फोन के जरिए केमिस्ट्री क्लास में उन्होंने जो बवाल किया था उसके सजा से बचने का आइडिया ढूंढने के लिए कहता है। वो फोन भी तुरंत प्रिंसिपल के सेक्रेटरी को कॉल लगा देता है और सेक्रेटरी सिड को ही प्रिंसिपल समझकर उसकी हर बात मानती है। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहां पर टाइगर सिड से उसका वो जादुई फोन मांगता है ताकि वो भी उस फोन को इस्तेमाल करके अपने मॉम डैड को मिला सके। यहां पर वो फोन उसके हाथों में आते ही वो फोन बंद हो जाता है, जिससे टाइगर गुस्से में आकर उस फोन को पानी में डुबोकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सिड उस फोन को पानी से बाहर निकालता है और देखता है कि पानी में डूबने के बाद भी वो फोन अभी भी ठीक था और उसके हाथ में आते ही वो फोन फिर से चल पड़ता है। अगले दिन स्कूल में वर्जिल टाइगर की माँ की एक कच्ची पहनी हुई फोटो पोस्टर में टांग देता है, क्योंकि उसकी माँ गंदे मैगजीनों के लिए फोटोशूट करवाती थी। ये देखकर टाइगर उसके ऊपर भड़क जाता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है। दूसरी तरफ तभी सड़क पर दो स्कूटी वाले एनजी का ट्राइपॉड चुरा कर भागने लगते हैं। एनजी और सिड उन चोरों का पीछा करता है और आगे जाकर वो दोनों उस चोर को पकड़कर उससे वो ट्राइपॉड वापस ले लेते हैं। इधर वर्जिल जब अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी उसके दोस्त फ्रैंकलिन को एक कॉल आता है और कॉल को रिसीव करते ही वो मोहित होकर गाड़ी को दीवार से टकरा देता है, जिससे वो लोग मरते मरते बचते हैं। ये खबर टाइगर सिड को बताता है कि उसके फोन की वजह से वर्जिल और उसके दोस्त कल घायल हो गए थे। जो सुनने के बाद भी सिड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज उस फोन की मदद से वो एनजी और बाकी सारे लड़कियों को हिस्ट्री पेपर में नकल करवाने वाला था। लेकिन तभी वर्जिल और उसके दोस्त मिलकर सिड और टाइगर को पकड़कर एक खोपचे में लेकर आता है और उसकी काफी पिटाई करता है। तभी वर्जिल को एक कॉल आता है, लेकिन सिड उसे कॉल को रिसीव करने नहीं देता और फोन को गिरा देता है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी बीच वहां पर क्लेमेंस आ पहुंचती है और उन सभी से कहती है कि सिड आज उन्हें हिस्ट्री में नकल करवाने वाला है, जो सुनने के बाद वर्जिल को उसे छोड़ना पड़ता है। खैर, आगे जब सभी बच्चे एग्जाम देकर रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे थे, तभी वर्जिल सिड को बेइज्जत करने के लिए कहता है कि सिड की माँ को उसके पिता ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसका किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। अब ये बात सुनकर गुस्से में सिड वहां से चला जाता है और अपने नोकिया फोन को वर्जिल को कॉल करने के लिए कहता है। थोड़ी देर में वर्जिल को एक कॉल आता है, जिसको रिसीव करते ही वो मोहित हो जाता है और वहां पर ऊटपटांग हरकतें करना शुरू कर देता है। वो सभी के सामने एक टेबल के ऊपर चढ़कर अपने सारे कपड़े उतारकर खुद को सभी के सामने बेइज्जत करता है। उसके दोस्त जब उसे ये करने से मना करते हैं, तभी वो उल्टा उसे ही इमरान हाशमी की तरह चूमने लगता है। आगे एक दिन सिड की माँ को एक खत मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो लोग क्यूबा का एक ट्रिप जीत चुके हैं, जो कि दरअसल सिड ने ही उस फोन को इस्तेमाल करके बुक किया था। सिड जिस रेस्टोरेंट पर काम करता था, वहाँ का बॉस सिड के खिलाफ काफी उल्टे सीधे बातें कर रहा था, क्योंकि वो हर रोज लेट करके काम पर आता था। तभी उसे एक कॉल आता है और फोन को रिसीव करते ही वो भी मोहित हो जाता है। वो सीधा किचन जाकर पहले तो अपने ऊपर मैदा और सॉस लपेट लेता है और फिर अपने आप को तेल में तलकर मस्त चिकन फ्राई बन जाता है। इधर सिड एनजी को मूवी दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है और वही दूसरी तरफ वर्जिल अपने दोस्तों के साथ बैठकर बस यही सोच रहा था कि कोई तो है जो उन्हें फोन करके अजीबोगरीब काम करवा रहा है। तभी वहां से होकर सिड एनजी को लेकर गुजरता है। वर्जिल भी उन दोनों को देख लेता है और सोच में पड़ जाता है कि उन्हें वो गाड़ी मिली तो मिली कहां से, क्योंकि वो गाड़ी उसके बाप का था। इधर सिड एनजी को लेकर जब थिएटर में मूवी देख रहा था, तभी वो एनजी
किसी को उस फोन के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो तो फोन को गाड़ी में ही भूल गया है, इसीलिए वो उस फोन को लाने के लिए बाहर जाता है। गाड़ी के पास पहुंचते ही वहां पर वर्जिल अपने साथियों के साथ आ पहुंचता है और सीट को बहुत बुरी तरीके से मारकर गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में वर्जिल और उसके दोस्त जब गाड़ी में थे तभी फ्रैंकलिन को एक कॉल आता है। वो जब उस फोन को रिसीव करता है तभी वो मोहित होकर गाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता है। इधर मूवी देखकर जब वो दोनों थिएटर से बाहर निकलते हैं तभी पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं। थाने में वर्जिल का यह कहना था कि सिड सभी को कॉल करके अपनी बातों से उन्हें मोहित करके उन्हें मरने पर मजबूर कर रहा है। ऑफिसर जब उन दोनों से इसके बारे में पूछताछ करते हैं तभी उल्टा ऑफिसर को एक कॉल आता है और फोन को रिसीव करते ही वो भी सम्मोहित हो जाते हैं। इसके बाद वो सिड को उसका नोकिया 3310 मोबाइल देकर उसे और एनजी को खुशी खुशी छोड़ देते हैं। बाहर सिड जब अपने बॉस के तलने की खबर सुनता है तभी उसके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके पास जो नोकिया 3310 का मॉडल है वो बहुत पनौती है, इसीलिए वो उस फोन से पूछने लगता है कि वो ऐसा किस लिए कर रहा है, जिसमें वो फोन कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है इसीलिए वो उसकी मदद कर रही है। इन सब से सिड तो काफी डरा हुआ था, इसलिए वो अपने दोस्त टाइगर के घर जाता है। तब उसे वहाँ पर टाइगर की जगह पर उसकी कच्ची पहनी हुई माँ मिलती है जो उसके आते ही उसे रिझाना शुरू कर देती है। अब उन दोनों को लपटा लपटी करते हुए ऊपर से टाइगर देख लेता है। वो सोचता है कि सिड शायद उसकी माँ की पैंटी उतारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सिड के पास जाकर उसे एक जोर का घुसंड पिलाता है। सिड जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकलता है और खुद उस नोकिया 3310 मोबाइल को तोड़ने लगता है, लेकिन जब उससे वो मोबाइल फोन नहीं टूटती तब उसे वो एक गड्ढे में फेंक कर निकल लेता है। अगली सुबह सभी दोस्त एक साथ मिलकर एनजी के घर में इकट्ठा होते हैं क्योंकि उस फोन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। दूसरी तरफ सिड के घर में कुछ दिहाड़ी मजदूर आकर उसे वो फोन वापस देते हैं जो कि उन्हें उस गड्ढे में मिला था। थोड़ी देर में उस फोन में एक कॉल आता है। अब सिड जब उस फोन को रिसीव करता है तभी वो फोन उससे कहता है कि अब बारी एनजी की है, जो सुनकर सिड उसे ये करने से मना करता है और उसे बहुत गालियां देता है। इधर एनजी को भी घर में एक कॉल आता है। सभी लोग घबराए हुए थे इसलिए क्लेवेंस कॉल को उठाती है और तभी वो हकलाना शुरू कर देती है। वहाँ पर सभी लोग सोचते हैं कि अब तो ये निपट लेगी, लेकिन ये सब कुछ बस उसका एक मजाक था। इधर सभी की जान जा रही थी और इसे तो मजाक सूझ रहा था। तभी मार्गेट को एक कॉल आता है और वो भी आवता-आवता देखे फोन को रिसीव कर लेती है, जिससे वो भी मोहित होकर खुद को चाकू से घोप घोप कर अपनी जान दे देती है। इसी बीच वो फोन फिर से बजता है और इस बार कोई इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता आकर फोन को उठा लेता है। कुत्ता, ये क्या बात हुई, कुत्ता फोन उठा लिया, मूवी चल रही है ये मजाक? खैर, आगे वो कुत्ता भी मोहित होकर डेविड के टट्टो पर काट लेता है। इधर तब तक वहाँ पर सिड अपने दोस्त टाइगर के साथ आ पहुँचता है और एनजी को किसी तरीके से बचा लेता है। एनजी सिड से कहती है कि उस फोन की वजह से सभी लोग मारे गए हैं। तभी वहाँ पर सम्मोहित हुए वर्जिल उनका रास्ता रोकता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई में उल्टा वही मारा जाता है। आगे वो लोग उस फोन को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोन साला टूटने का नाम तक नहीं ले रहा था, इसीलिए वो लोग उस फोन को लेकर सीधा स्कूल के लैब में पहुंचते हैं और उसे लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोकर जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी प्रिंसिपल, जिसको उस फोन ने मोहित कर दिया था, वो उस फोन को बाहर निकाल लेते हैं। तभी टाइगर वहां पर आकर बड़ी मुश्किल से उस फोन को लिक्विड नाइट्रोजन में डालता है, जिससे वो फोन जम जाता है। आगे वो लोग उस फोन को लिक्विड नाइट्रोजन के डिब्बे में डालकर हमेशा के लिए समुंदर में डुबो देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।